अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो स्टॉक्स है वो आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा डाउनफॉल में चल रहे हैं। कुछ कुछ जो स्टॉक्स है वो 50% के अराउंड गिरे हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे अगर हम शॉर्ट सेलिंग कर दें तो हमें प्रॉफिट बन सकता है, और बहुत से लोगों का कहना है कि अगर हम इनको अभी जो डिप में बाय करें तो बहुत अच्छा हमें फ्यूचर में प्रॉफिट मिल सकता है। तो देखो, एक चीज़ है कि अभी जो है वो मार्केट एक तो बहुत वॉलेटाइल है, मतलब निफ्टी सेंसेक्स को कोई डायरेक्शन नहीं है अभी तो। मतलब आज के भी मैंने दिन में देखा कि मार्केट एक दिशा में नहीं मूव कर रहा है, तो कंफ्यूजिंग है। और दूसरी बात कि अगर दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, एक तो डाउनफॉल ऐसा ही कंटिन्यू होगा, वो कब तक होगा वो अभी बहुत सारे जो सिनेरियोज है उस पर डिपेंड करता है। वरना अगर एक कोई भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई अडानी ग्रुप के बारे में, मतलब रेगुलेटर्स ने अगर कोई न्यूज़ पॉजिटिव दे दी कि अगर स्क्रूटनी जो चल रही है उसके बारे में अगर क्लीन चिट मिल गई प्रॉपर जो बैंक्स है या फिर जो इंक्वायरी चल रही है उसके बारे में, अगर एक प्रॉपर कोई एक बड़े फिगर ने इस पे, बड़े फिगर यानी कि मतलब अथॉरिटीज़ ने इस पे अगर क्लीन चिट दे दी, तो सेंटिमेंट जो है वो बहुत उल्टा हो सकता है। मतलब जो कुछ भी चीज़ें अभी चल रही है डाउनफॉल में वो रिवर्ट बैक भी हो सकती है और अप भी जा सकती है। तो मतलब शॉर्ट लेना और लॉन्ग लेना बहुत रिस्की है अभी अदानी एंटरप्राइजेस में या फिर और कोई भी स्टॉक में अडानी के। सो रिकमेंडेड तो ऐसा ही है कि अगर बाकी कोई भी आपके रडार पे स्टॉक्स हो तो फिलहाल उसमें इन्वेस्टिंग कीजिए, और ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग दोनों करना यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अभी जो मार्केट के डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है, और कुछ जो लेवल्स है निफ्टी या सेंसेक्स के वो जब तक क्लियर नहीं हो जाते तब तक हम उसकी डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ से अगर डाउनफॉल होता है तो कुछ लेवल्स ब्रेक होनी पड़ेंगी, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बात करेंगे। लेकिन अभी जो है वो एक हल्का फुल्का आप ट्रेडिंग कर सकते हो, अग्रेसिव सारे फंड्स यूज़ करके जो ट्रेडिंग करने की ज़रूरत यहाँ पे अभी नहीं है। और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को फिलहाल अगर इग्नोर करो तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी उनमें इन्वेस्ट करना खतरे से खाली नहीं है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक हम अपना ट्रेडिंग कंटिन्यू करते हैं।